हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे घर का माहौल आजकल बहुत टेंस है क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। आई एम श्योर आपके घरों में भी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होंगे। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि आपके घर में तीन बच्चे हैं, तीनों के अलग एज ग्रुप्स हैं, अलग क्लासेस हैं, तो आप तीनों की पढ़ाई, हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे इतने अच्छे से मैनेज करते हो? तो आज ये सारे सीक्रेट्स मैं रिवील करने वाली हूँ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको डिटेल में सारी चीजें मैं आपको बता पाऊं। सारी बातें करते हैं मगर सबसे पहले बच्चों को उठाते हैं क्योंकि सुबह का टाइम बहुत क्रूशियल होता है, माइंड फ्रेश होता है, तो आज का टाइम सुबह का बहुत क्रूशियल है। पहले बच्चों को उठाते हैं और फिर बात करते हैं। नाना दीदी का पेड़ साथ में है, पूरी रात जलता है। नाना दीदी गुड मॉर्निंग। पंखा शंखा बंद क्यों करके सो रहे हो बेबी? उठो 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 उठो, मॉर्निंग टाइम, उठो उठो उठो, ब्रश करो। चलो आप शनाया को उठाते हैं। शनाया दीदी गुड मॉर्निंग। दीदी शनाया दीदी उठो 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 उठो, ब्रश करो। सियान को भी उठा लेते हैं। क्या टाइम हो गया? ओह माय गॉड गाइस, टाइम तो भागता है पेपरों के दिनों में। मुझे लगता है घड़ी जल्दी चलती है, आपको क्या लगता है यार? सियाना गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग, उठो बेबी। गाइस ऐसे सियान का कल एग्जाम नहीं है, अनाना शना का एग्जाम है, तो मगर सियान को भी साथ में पढ़ाने बिठा दूंगी तो इजी रहता है ना, तीनों सॉर्टेड है। बेबी उठ जाओ सारे, मैं इनके लिए दूध लेकर आती हूँ जब तक ये पढ़ने बैठेंगे। अनान्या शनाया बेबी पढ़ने बैठो, मैं दूध ला रही हूँ। तो गाइज मैं अनान्या को देने जा रही हूँ ये हेल्दी मिल्क, जिसमें मैं डालूंगी ग्रिट्सो सुपर मिल्क हाइट प्लस के 2 चम्मच। आइए इसको पहले साथ साथ बना लेते हैं, अनान्या आती ही होगी। ग्रिट्सो सुपर मिल्क हाइट प्लस फॉर माय अनान्या इज पैक्ड विद सुपर इंग्रेडिएंट्स लाइक अश्वगंधा, 100% जिंक प्लस आयरन, आमला, 10 grams ऑफ हाई क्वालिटी मिल्क प्रोटीन जो स्पेशली आता है यूरोप से। ये सब मिलकर हमारी अनान्या को देते हैं राइट ग्रोथ, स्ट्रेंथ, बूस्ट करते हैं उसकी इम्यूनिटी को भी। मम्मा मैं आ गई, आ गई। अरे वाह अनान्या, ये लो आपका ग्रिट्सो सुपर मिल्क हाइट प्लस रेडी है। ये मम्मा मम्मा हमारा मिल्क कहाँ है? हमको ही पिलाओ ना ग्रिट्सो मिल्क। ना 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 शनाया, ग्रिट्सो आता है डिफरेंट एजेस एंड बेनिफिट्स के साथ, ओके? ओके आपके लिए ये नहीं है, ये अनान्या दीदी के लिए। ओके ठीक है, आप दोनों चलो, आपके लिए दूसरा आ रहा है। ओके मम्मा। ग्रिट्सो पिलाने के बाद हम हो जाते हैं टेंशन फ्री इन एग्जाम डेज में, क्योंकि वी आर श्योर कि ग्रिट्सो ख्याल रख रहा है अनान्या के न्यूट्रिशन का। चलो अनान्या दूध तो हो गया, आप ऊपर चलो, आप अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करो, फिर आपकी क्लास है। ओके चलो चलो जल्दी से, शाबाश। लेटर। क्या कर रही है अनान्या? साइंस का पेपर है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। करो करो गाइस, इसका साइंस का एग्जाम है, तो जैसे हर बच्चा अलग होता है और मेरे पास तो 3 लाइफ वैराइटीज है, अनान्या क्लास 8, शनाया क्लास 6, सियान क्लास 4, सो हर एक की पढ़ाई की स्ट्रैटेजी भी अलग रहती है। अनान्या जैसे इसको लर्निंग में थोड़ा टाइम लगता है, लॉन्ग आंसर्स इसको सुन के जल्दी याद होते हैं, तो अलग अलग तरीके से तीनों बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो अब जैसे साइंस का एग्जाम है तो इसको पहले मैंने लर्न, इसको हम चैप्टर अच्छे से पढ़वा देते हैं, उसके बाद इसको बोलते हैं की पॉइंट्स जो समझा उसके नोट्स बनाओ, स्कूल की नोटबुक, जो एग्जाम टेस्ट पेपर्स होते हैं, पास्ट टेस्ट पेपर्स एंड एग्जाम्पलर बुक आती है वो सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए टेस्ट पेपर ऑलरेडी मैंने बना दिया है, इसकी एक टीचर आती है उनको भी मैंने बोला था टेस्ट पेपर बन चुका है, ये रिविजन करके वो टेस्ट पेपर सॉल्व करेगी। तो मेरा इसके साथ स्ट्रैटेजी होती है कि मैक्सिमम टेस्ट पेपर सॉल्व करें ताकि इसको अपनी गलतियां बार 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 यू नो उसको दोहरा कर, मैं तो कहती हूँ गलतियां होंगी तो अच्छी बात है, तभी बच्चा कुछ लर्न कर पाता है, तो उसको कर करके ये उसकी मास्टर हो जाती है। एंड जो MCQs आते हैं जो CBSE का पैटर्न है वो तो हम इसको बुलवा बुलवा के फुल मार्क्स में से हो जाता है, वो उसको हम ओरली कर लेते हैं। अनान्या टेस्ट पेपर इज रेडी, फटाफट करो। और डायग्राम्स बहुत जरूरी है, पहले
पहले शनाया को देखकर आते हैं, फिर बाकी बात करेंगे। आ चुके। हाँ जी शनाया, क्या हो रहा है? हिंदी एग्जाम की तैयारी। हिंदी, गाइस इसका है हिंदी का एग्जाम। तो हिंदी तो लिखे बिना नहीं होती भाई, मेरे घर में हिंदी में तो कुछ भी बोलकर नहीं, यू हैव टू राइट। हिंदी में तो गलतियां लिखकर ही पता चलती हैं। अनान्या थोड़ी लिखने की चोर है, मैं आपको सच बताऊं मगर शनाया फटाफट लिख लेती है। कोई बात नहीं, हर बच्चा अपना अलग तरीके का होता है, बट ठीक है, हर एक के पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी हैं, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर एक की क्वालिटीज अलग होती है। तो शनाया आप बताओ कैसे काम करते हो आप हिंदी में? हिंदी में राइटिंग ही होती है, मतलब ग्रामर तो सारी लर्न कहाँ से किया? मैम ने क्वेश्चन एंड आंसर्स, मतलब उन्होंने अपनी पीडीएफ दी हुई है तो उसमें से सारे लर्न करके देन आई राइट ऑल द आंसर्स। एंड अभी जो पोएम है जो आ रही है उसको मैंने पहले पोएम लर्न कर रही हूँ, देन आई स्टार्ट राइटिंग। और व्याकरण कहाँ से करी? व्याकरण की मैम ने वर्कशीट्स दी हुई है एंड लाइक ग्रामर बुक तो है ही, उसमें से रूल्स सारे लर्न करके देन आई सॉल्व द वर्कशीट्स। ठीक है। एंड वर्कशीट्स जो आती हैं, मतलब एग्जाम पेपर, एग्जाम्पल मतलब रिविजन पेपर्स, वो तो है ही है। एंड लास्ट ईयर के जो आपने दिए थे नाना के, वो वेरी गुड, वेरी गुड। देख रहे हो गाइस, मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी सेम ही है। मैं इसलिए इसके मुंह से मैं बुलवाया कि एग्जैक्टली देख लो जो मैंने आपको उस रूम में बताया था, सेम बात ये बोल रही है। क्योंकि मेरी ये हैबिट है कि पास पेपर सॉल्व करने से और कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो मेरी एक स्ट्रेटेजी है जो अभी तक काम करती है। अब आसियान को देखते हैं वो क्या कर रहा है। वाह वाह जी वाह, ये भाई साहब लेट के पढ़ाई कर रहे हैं। चल खड़ा हो जा, छोटे हैं तो उसका मतलब थोड़ा है कि बैठ बैठ के पढ़ाई होगी। गाइज इसके साथ ना बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बड़ों के साथ एक्सपीरियंस तो है ही है हमारे को कि कैसे पढ़ाना है। लिखना, सेल्फ रीडिंग, सबसे मेन बात यहाँ पर ये है कि आपको अपना एनालाइज करना है कि कौन सा मीडियम इज वर्किंग फॉर यू, बिकॉज इतना मटेरियल है आजकल, ऑडियो सुन के याद होता है, देखकर विजुअल याद होता है, या सेल्फ रीडिंग से याद होता है। आप एनालाइज करो आपको क्या बेटर लगता है, व्हाट्स वर्किंग फॉर यू, व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यस, आप मेरी बातें ना सुने और यहाँ आइए, फटाफट रीडिंग करके बताओ। द चिल्ड्रन स्नगल्ड अप टू ग्रैंडमा, इट वॉज स्टोरी टाइम। समझ गए। इसको अच्छे से ऊंचा ऊंचा बोल के पढ़ेंगे, ठीक है? चलो तब तक मैं बाकी की तैयारी करूँ। चलो अपनी क्लास का टाइम हो रहा है। ओके। लेटर। अनन्या, शनाया, सियान आओ बेटा खेले। हाँ जी, हाँ भी तो जरूरी है, पढ़ाई अपनी जगह जरूरी है। ये देखो सबसे ज्यादा थक तो ये गया है, हैं भाई? तूने किया क्या मुझे? पढ़ाई बहुत पढ़ाई हो गई है, खेलना आ रहा है, जल्दी करो, जाओ फटाफट भागो। 1 2 3 गिरना नहीं। अभी हम ना स्नूकर खेल रहे हैं इसलिए। अरे कहना क्या चाहते हो? Later that same evening. हमसे इतनी वेट नहीं हुई कि मम्मा की वेट कर लें और ये तीनों बच्चे अंदर। गाइस जैसे कि आप जानते हो कि हम अभी फार्म हाउस, ओ आराम से, अभी हम फार्म हाउस पे रह रहे हैं। तो फार्म हाउस का ये सबसे अच्छा मज़ा है, शाम का गार्डन का टाइम थोड़ा कम करके हमने उसको पूल टाइम में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, दिखा दो। हटो नान्या, ए शाबाश। बिकॉज स्विमिंग से अच्छी एक्टिविटी आजकल क्या है, मौसम भी है, सो बेस्ट वेदर टू यूज द फार्म एंड द पूल, ए शाबाश, सुपर। ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं एंड स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ये आपको मेंटली फिजिकली हर चीज में परफेक्ट फिट रखती है। चलो गाइस फटाफट बाहर आ जाओ, बहुत देर हो गई है। हो गए टाइम, नो लेट्स स्टिक टू द टाइम, फटाफट पढ़ाई पे आ जाओ, रिविजन टाइम। भाई अंधेरा होने को आ गया, देखो अब तो शाम भी ढल गई है, जल्दी आ जाओ फटाफट। शनाया क्या बता रही थी? मैं
मैं रवि ना बार बार एरोप्लेन में कर रहा था तो ना अनान्या ने उसको बहुत जोर से डांट मार दी, ठीक है रुक जा ना आ रहे आएंगे तेरे पास ही, रुक रुको जरा सबर करो। तब से एक बार भी नहीं आया अनान्या की डांट सुन के। प्लेन भी डर गया भाई, प्लेन आ रहा है नहीं आ रहा, प्लेन भी डर गया अनान्या की डांट से, डर से नहीं आएगा। गाइस फाइनली नहाना धोना हो गया है, हेड वॉश हो गए हैं फ्रेश। मैंने सोचा पहले जरा नीट एंड क्लीन हेयर टाई कर देती हूँ और फिर थोड़ा फ्रेश लगता है ना उससे। अनान्या की पढ़ाई साथ साथ चल रही है यहीं लैपटॉप पे, क्योंकि हम टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते हैं, तो हमने डिनर भी कर लिया। हाँ डिनर भी कर लिया है सच। मैंने सोचा अब एक बारी ब्रेक ली है तो फ्रेश होकर पेट पूजा करके एक ही बारी पढ़ने बैठे और फिर रात को सो जाएंगे। रात को कुछ मांगेंगे तो फ्रूट खिला दूंगी, है ना। चलो जी सुंदर नीट एंड क्लीन हेयर भी तैयार हो गए हैं। तो गाइज आई होप आप सब ने दिल लगा के 100% मेहनत कर ली होगी, अच्छे से एग्जाम करना, ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, मेहनत 100% करनी है, मगर रिजल्ट छोड़ देना है भगवान पे। अच्छा करोगे, अच्छा मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। Gritso is the secret of my children's right growth. What's yours? Thank you so much video ko pura dekhne ke liye. Ananya versus Shania Daughters Day Unlimited Shopping Challenge. Video live ho chuka hai hamare channel Ramneet Singh 1313 par. Humne kya kya shopping kari ye dekhne ke liye click here, click 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 click. Bahut achhi video hai. Click 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 click.